इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 19 मार्च के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। भारत बांग्लादेश शिखर वार्ता के अंत में आज के दिन 1972 में भारत बांग्ला मैत्री एवं शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। शांति और सहयोग की आधारशिला पर हुई मैत्री संधि में जिन साझे मूल्यों का उल्लेख किया गया उनमें उपनिवेशवाद की आलोचना और गुट निरपेक्षता जैसी बातें शामिल थी। देश दुनिया के इतिहास में 19 मार्च की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज के दिन 1831 में अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित सिटी बैंक में हुई डकैती में $2,45,000 की लूट हुई थी। 1877 में आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 45 रनों से हराया था। मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री नारायण भास्कर खरे का जन्म आज ही के दिन 1884 में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य एवं आर समाज के 5 प्रमुख नेताओं में से एक पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का निधन आज ही के दिन 1890 में हुआ था। जैन साहित्य के विशेषज्ञ तथा अनुसंधान पूर्ण लेखक अगरचंद नाहटा का जन्म आज ही के दिन 1911 में हुआ था। आज ही के दिन 1927 में जर्मनी में नाजी और कम्युनिस्टों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध हास्य कलाकार जगदीप का जन्म आज ही के दिन 1939 में हुआ था। आज ही के दिन 1944 में आजाद हिंद फौज ने पूर्वोत्तर भारत में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। 1972 में आज ही के दिन भारत और बांग्लादेश ने 25 साल की शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष M.A. अय्यंगार का निधन आज ही के दिन 1978 में हुआ था। महान राजनेता J.B. कृपलानी का निधन आज ही के दिन 1982 में अहमदाबाद में हुआ था। आज ही के दिन 1982 में ब्रिटेन तथा वेटिकन में 400 वर्षों के अंतराल के बाद राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। 1990 में आज ही के दिन कनाडा की राजधानी ओटावा में महिलाओं की पहली विश्व आइस हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। आज ही के दिन 1994 में जापान के याकोहामा में 1,60,000 अंडों से विश्व का सबसे बड़ा 1383 वर्ग फुट आकार का आमलेट तैयार किया गया था। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता E.M.S. नंबूदरी पाद का निधन आज ही के दिन 1998 में हुआ था। आज ही के दिन 2001 में ब्रिटेन के उच्च सदन ने संगीतकार नदीम के प्रत्यर्पण का प्रस्ताव ठुकराया था। 2005 में आज ही के दिन पाकिस्तान ने शाहीन प्रक्षेपात्र का सफल परीक्षण किया था। आज ही के दिन 2008 में डॉन कूपर राय ने मेघालय के नए मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेता नवीन निश्चल का निधन आज ही के दिन 2011 में हुआ था। प्रसिद्ध भाषा चिंतक और शिक्षाविद सूरज भान सिंह का निधन आज ही के दिन 2015 में हुआ था। आज के इतिहास में बस इतना ही, कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।